आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया का ही सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड पार्ट जो है वो क्यूब के बारे में वो करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में देख चुके थे हर एक चीज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और आपको आई कार्ड बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है उसको पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा का पूरा बेसिक्स बता रखा है। अब वो बेसिक्स मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे एजेस बताया था, वर्टेक्सेस बताया था, सरफेस एरिया बताया था। अब मैं यहाँ पर भी बताऊँगा तो फिर टाइम बहुत लंबा होगा, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब जो है आपको सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करके और हर चीज़ें बता दूँगा, ठीक है ना। तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इसका, तो याद से देख लेना। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्यूब के बारे में। तो क्यूब जो है ये भी हमारा एक सॉलिड है, मैंने बताया था सॉलिड के बारे में, तो ये भी क्यूब भी क्या है, हमारा एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड में क्या होता है समझो, इस तरह के सॉलिड में क्या होता है कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब इक्वल होता है। अगर इसका लेंथ मान लो कि ए है, यहाँ से तक ए है, लेंथ ए है हमारा, तो ब्रीथ हाइट भी हमारा ए होगा, ब्रीथ भी हमारा ए होगा, सब कुछ इक्वल होगा, हर एक चीज़ इक्वल। तो सब लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब इक्वल हो जाएगा हमारा ए के बराबर। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें देखो जो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये बिल्कुल आपका वो क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर देखो, अगर ये फिगर हम देखें तो ये हमारा स्क्वायर शेप में है बहुत तक, है ना। तो आप अगर फ्रंट से देख लो तो ये स्क्वायर है ना। अब इस स्क्वायर में हाइट अगर आ गया सेम लेंथ का अगर हाइट भी इंक्लूड हो गया तो ये हो जाएगा हमारा क्या क्यूब हो जाएगा, ये कहलाएगा क्यूब। पास में आ रही है, जिसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब कुछ सेम समान होगा। तो इसमें भी कितना, 6 सरफेस, 1 2 3 4 5 6 सरफेस, वर्टाइसेस मेरा वही 8 ही होगा, 8 वर्टाइसेस, और एजेस हमारा 12 होगा, जो कि मैंने आपको पहले क्लासेस में अच्छे तरीके से बताया है, आप उसको देख लेना अच्छे से। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम का बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होता है हमारा कि ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए, ये हो गया हमारा स्क्वायर का वॉल्यूम, याद करो। तो इसमें हाइट की जगह भी हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड में, क्यूब में इसमें हाइट इंक्लूड हुआ है, और इसका हाइट भी हमारा ए है, तो इंटू ए कर देंगे, तो ए इंटू ए इंटू ए, ए क्यूब, तो इसीलिए ए क्यूब हो गया हमारा, साइड का क्यूब या ए क्यूब, है ना। इसका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है, हमें मालूम है। चलिए आइए दूसरा, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्या, जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा, इसमें जो सेकेंड फार्मूला है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या, मैंने देखा था, तो एक सरफेस यहाँ पर हमारा ये, एक सरफेस ये, 2 3 4 5 6, तो 6 सरफेस सबका एरिया निकालेंगे। तो इसका जब एरिया निकालोगे तो खुद सोचो, इसका एरिया हो गया हमारा कि ए क्यूब, है ना, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो गया इसका एरिया, प्लस इसके पीछे वाला का एरिया हो गया हमारा, ये भी ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ का ए स्क्वायर, यहाँ का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसके बाद नीचे यहाँ का ए स्क्वायर, यहाँ का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना बार ए स्क्वायर है देखो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ए स्क्वायर है, तो 6 ए स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, याद करो कि क्यूबॉइड का जो है टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया देखा था हम लोगों ने कि 2 LB + BH + LH, यही था ना। तो अब देखो इसका बी, लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब कुछ ए है ना, तो सब में मैं ए डालता हूँ, देखो तो 2 × देखो, याद देखो एल की जगह पर ए हो गया, तो ए बी की जगह पर भी ए, तो ए इंटू ए, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ B की जगह भी A, H की जगह भी A, तो A इंटू ए, ए स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस L की जगह पे भी A, H की जगह पे भी A, तो A स्क्वायर हो गया, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, तो 2 × 3A² 2 3 6, तो 6A² यहाँ से भी निकल गया। आपको जैसे निकालना निकालो, आंसर तो उतना ही आने वाला है। चलिए तो ये तो था हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हमारा 6A² और उसका यूनिट क्या होगा। तो क्योंकि एरिया के बारे में बात हो रही, तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है ना। अब यूनिट के जब पे कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी हो, तो उसका स्क्वायर होगा यूनिट। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल मैंने कहा था 4, तो टॉप एंड बॉटम को छोड़ करके, ये अगर हमारा टॉप है तो टॉप एंड बॉटम को छोड़ करके, तो 1 2 3 4,
तो ये देखो, तो इसका एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर, देखो इसका जब एरिया निकालोगे बाबू, देखो तो ये हो गया ए स्क्वायर, इसके पीछे वाला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस फिर ये वाला ए स्क्वायर फिर ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना बड़ा है, एक दो तीन चार, तो फोर ए स्क्वायर यहाँ से आ गया। यानी तो फिर क्यूबॉइड का जो आपने लेटरल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड का लेटरल पढ़ा था आपने कि टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही पढ़ा था ना क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें भी देखो हर जगह हम लोग ए बैठाएंगे, तो टू इंटू क्योंकि लेंथ भी हमारा ए, ब्रिथ भी हमारा ए और हाइट भी हमारा ए, तो चलिए तो अब यहाँ देखो तो टू इंटू ए प्लस ए, टू ए इंटू ए, तो अब ए इंटू ए, ए स्क्वायर और टू टू जो फोर, तो फोर ए स्क्वायर, तो ये भी आ गया हमारा यहाँ से। तो जैसे भी निकालो आंसर उतना ही आने वाला, इसका भी जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा कि स्क्वायर यूनिट होगा, बस समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट है डायगनल ऑफ क्यूब। डायगनल निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्यूबॉइड की जगह पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्यूबॉइड वाला जो जो आपका जो वीडियो है उसको अगर आपने देख लिया तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, उसको जरूर यहाँ से देख लेना क्यूबॉइड वाला। तो क्यूबॉइड का जो हम लोगों ने देखा था डायगनल का जो फॉर्मूला था डी इक्वल टू कैपिटल डी इक्वल टू, मैंने बताया था कि रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये कैसे निकाला था ये मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ भी वैसे निकलेगा, तो मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ ब्रिथ और हाइट तीनों सेम है, तो लेंथ की जगह भी मैंने रख दिया a, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी की जगह भी ए स्क्वायर और एच की जगह भी ए, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो थ्री ए स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू हो गया हमारा कि रूट ओवर तो थ्री ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है तो स्क्वायर का ए एक से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर हमारा हट जाएगा और डी रह जाएगा बच्चा, रूट थ्री हमारा अंदर फंसा रह जाएगा, तो रूट थ्री ए स्क्वायर, सॉरी ए ए स्क्वायर का स्क्वायर से ए का रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ए बाहर आ गया, तो रूट थ्री ए जो है हमारा ये आ जाएगा डायगनल। तो यही मैंने लिखा है कि डायगनल ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री ए, है ना, यूनिट्स, तो ये हमारा यूनिट में आएगा, जो भी आएगा लेंथ जो भी आएगा उसका वो यूनिट होगा हमारा। तो आई होप सो इसका फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल था, तो ये आपको समझ में आ गया। तो क्लास नाइन्थ वाले यहाँ से अब आपका न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होगा, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर का हमारा उसके बाद आएगा फॉर्मूला। क्लास टेंथ वाले अब आपको नेक्स्ट फॉर्मूला हमें जानना है, नेक्स्ट जो जाना है वो सिलेंडर के बारे में जानना। तो सिलेंडर में हम लोग दो चीज़ जानेंगे, एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर और एक होलो सिलेंडर, तो ये दो चीज़ें हम लोग जो है करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास टेंथ वाले के बारे में। और क्लास नाइन्थ वाले इसके बाद जो है आपका न्यूमेरिकल्स लगेगा, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उसके बाद फिर आपको पढ़ना है। तो फिर ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा चीज़ें, अगर हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप मुझे, और अपने दोस्तों को जूनियर्स को सबको जो है वीडियो को जरूर उनको पहुँचाएं, उनको बताएं यहाँ के बारे में, उनको भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और आप लोगों का प्यार तो मिलता ही रहता है हमें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहा करें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।